अभी तक अपने इतने वीडियो बन गए, अब ये वाला स्टार्ट करेंगे। स्केल की हेल्प से एक स्क्वायर बना लीजिए। ये वाली जो ड्राइंग है, सबसे पहले इसमें जो ये लाइन दी है इसको ट्रेस करेंगे। ये जो डॉट्स हैं इसको हम फिल करेंगे। डॉट्स के ऊपर ही लाइन ट्रेस करिएगा। जब हमारा ये वाला वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे इसमें ये कलर दिए हुए हैं वैसे ही आप लोग करेंगे, और इसके बाद हम ड्राइंग को बनाएंगे। और अब आप लोग मुझे जो ग्रुप में वीडियो डालेंगे वो ड्राइंग बनाते हुए डालेंगे, मुझे दिखना चाहिए कि आप लोग बना रहे हैं। एक बड़ा सा ओ बनाएंगे। इसके बाद यहां पर यू बनाएंगे और एक स्मॉल यू। यहां ये जो लाइन है इससे हम फिर एक ओ बनाएंगे ऐसे, और इससे थोड़ी ही दूरी पर एक और ओ बना लेंगे इस तरीके से। इसके अंदर दो छोटे ओ बनाए और वाइट स्पेस के लिए फिर ओ बना के और छोड़ दिया। अब ये वाला जो पॉइंट है लाइन से बाहर, यहां से हम एक सी बनाएंगे। आप ये देखिए, यहां से शुरू करेंगे और सी बनाएंगे। इसके बाद इसको इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ये यहां पॉइंट आना चाहिए, ये वाली। अब यहां से एक जे बना लीजिए ऐसा, और दूसरा यहां से इस तरीके से बना लीजिए। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। इधर आकर यहां पर वी बना लीजिए। वी बन गया, सी बनाइए दोनों तरफ से, फिर इसमें आप दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, आपको जितना लेना हो। फिर एक बड़ा सी और फिर एक छोटा सी, ऐसे करके इसके विंग्स बना लीजिए और इन लाइंस को लंबा कर दीजिए। अब आप देखेंगे लेग की पोजीशन आनी है इसकी। इसके लिए ये लाइन ले लीजिए इस तरीके से, ये वी जैसा शेप दे दीजिए। फिर इसको हमने यू बनाया और इस लाइन से मिक्स कर दिया।
अब ये वाली जो लाइन है वो यहां तक आएगी, ये फिर वैसे ही ये ध्यान रखेंगे ये थोड़ा सा बाहर है और ये एक तरफ से आएगा, बस इस तरीके से ये हमारे लेग्स बन गए। जैसा आपने ओ ये बनाया था, अब हम यहां से ओ बनाएंगे, ये लाइंस जो दिख रही है इसको ओ बनाएंगे। ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। ये जो लाइंस दिख रही हैं इनको बीच से इरेज करेंगे। और आउटलाइन करेंगे। सबसे पहले आईज को कर लीजिए जिससे कि आप उसको भूले ना। ये इसलिए हम फिलअप कर रहे हैं जिससे कि हम इसको भूल ना जाए कलर करते हुए। आप लोग मुझे इसका वीडियो सेंड करेंगे, क्लास ग्रुप में वर्क करते हुए डालेंगे। जितनी भी लाइन्स हैं उनको इरेज करेंगे। और अब कलर करेंगे। कलर जैसे इसमें दी है वैसे भी आप कर सकते हैं, और आपको चाहिए कोई दूसरा कलर तो आप उस दूसरे कलर को भी दे सकते हैं, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू ऑरेंज। रेड कलर करेंगे यहां पर, ये रेड नहीं आ रहा, पिंक आ रहा है। ये मस्टर्ड कलर है, इसमें येलो कलर करना है। इसमें ब्लू कलर, आईज के आउटसाइड वाले सर्कल में और लैग में भी जो हमने नोज में कलर मस्टर्ड किया था वही डाला हुआ है। अभी इसमें ज्यादातर सब कलर आ गए हैं, बैकग्राउंड में अरे विंग्स में बचा हुआ है ब्लू कलर, इसमें भी करना है। अब इसमें
कौन सा कलर अपन कर सकते हैं जो अपन को सबसे मैच हो जाए। अपन इसमें दो कलर ले सकते हैं, यहाँ ऊपर अपन स्काई कलर ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ बीच में ग्रीन कलर ले लेते हैं। और यहाँ नीचे येलो कलर ले लेते हैं। इसके बाद एक स्केल की हेल्प से ये जो लाइन है इसको डार्क कर दीजिए। जब भी आप लोगों को कोई कंपटीशन कराते हैं या आपको अपनी ड्राइंग कंप्लीट करना है तो आपको बैकग्राउंड और बॉर्डर इन सब का ध्यान देना चाहिए, तभी वो आपकी ड्राइंग कंप्लीट मानी जाती है। अभी देखिए इसमें हम यहाँ पर ऐसे ऐसे करके सर्कल्स भी बना सकते हैं। आप ये मार्कर से बना सकते हैं, स्केच से बना सकते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड और अच्छा दिखने लगेगा। अभी मैं आपको पेंसिल से बना के बता रही हूँ, आप भी पेंसिल से ही बनाइए जिससे कि आपको लगे कहीं ख़राब हो गया है तो आप उसको ठीक कर सकें। और आप लोग क्लास ग्रुप में वीडियो सेंड करेंगे, इस तरह से कंप्लीट करके आप मुझे वीडियो सेंड करेंगे।